हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो में हम साइन 18, कोस 18, साइन 72 और कोस 72 का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप ना कोई एक मान इनमें से आ जरूर जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो जिंदगी में कभी इसको भूलोगे नहीं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन 18 का मान निकालना, ठीक है। साइन 18 का मान निकालते हैं और बताते हैं साइन 18 का मान कैसे निकलता है। तो यहाँ पे साइन 18 का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि माना थीटा बराबर हमारा कितना है, 18 डिग्री है। तो दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, पांच से गुणा करूंगा दोनों तरफ, ये मिलेगा मुझे, हो जाएगा ये 5 थीटा और 18 पंजे कितना, 90। तो 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। इस 5 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, या फिर 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। दोनों ओर का साइन लेने पर, दोनों तरफ का साइन लेने पर हमें क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है। तो ये आपका कोस 3 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा। यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। और इस तरह बच्चों हम कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, ठीक है बच्चों। यहां से हम क्या करेंगे, इसमें से cos कॉमन ले लेंगे, आपका हो जाएगा 2 sin θ इज इक्वल टू 2 sin θ इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 4। ये हमारा 4 cos³ और 3 cos θ है, तो यहां से cos थीटा कॉमन लेंगे। cos थीटा कॉमन लेने पर आपका बचेगा 4 cos²θ माइनस 3। यहां पे बच्चों हमारा cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा अब हमारा 2 sin θ इज इक्वल टू 4। और ये जो हमारा कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन में बदल सकते हैं। हम जानते हैं भाई कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin²θ होता है, तो 4 into 1 minus sin²θ माइनस 3 2 sin θ इज इक्वल टू 4 1 जा 4, ब्रैकेट खोलेंगे 4 1 जा 4 माइनस 4 sin²θ माइनस 3। अभी आपका हो जाएगा 2 sin θ इज इक्वल टू, यहां से बच्चों हम लिखेंगे माइनस 4 sin²θ, 4 में से 3 गया प्लस 1, इन सबको इक्वल टू से इधर ले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस है इधर आके प्लस 4 sin²θ प्लस 2 sin θ और प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 sin θ पहले से इधर है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4 sin²θ प्लस के 2 sin θ और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये आपकी इक्वेशन बनी, यहाँ पे कितना, ये 4 में 3 1 माइनस का 1 होगा बच्चों इधर, ये आपका क्या होगा, प्लस का 1 नहीं, ये आपका माइनस का 1 होगा, क्योंकि प्लस का इस तरफ था ना, इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जैसी बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इसको मान लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। मान लो कि जो साइन थीटा है वो बराबर क्या आपका वाई है, तो कितना हो जाएगा 4y² प्लस के 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 4 घटाने पर 2, तो इस तरह के गुणनखंड तो आपको यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीधी द्रचार्य विधि लगा लोगे। फिर द्रचार्य क्या था कि y बराबर, क्योंकि ये y की फॉर्म में है, तो y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना 2a आ जाएगा। इसको हम यहाँ से तुलना करेंगे, तुलना करने पर बच्चों हमें
ए बी के मान मिल जाएंगे। ए बराबर कितना है यहाँ पे, ए बराबर आपका चार होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक चार होता है तो वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे चार हो जाएगा। बी बराबर आपका कितना दो, और सी बराबर आपका माइनस का वन हो जाएगा। ये सभी मान इसमें रखेंगे तो वाई बराबर हमें मिल जाएगा बच्चों, बी की वैल्यू माइनस के दो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू आपकी कितनी है, तो यहाँ से बच्चों बी स्क्वायर, बी का मान कितना है दो, तो दो का वर्ग माइनस चार गुणा माइनस का वन और बटे में टू ए, दो गुणा चार, इसको अमल करेंगे तो वाई बराबर हमें मिलेगा माइनस दो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दो दुनी चार और चार चौक सोलह, माइनस माइनस प्लस, प्लस के सोलह और बटे में कितना हो गया आपका आठ हो गया। तो y बराबर माइनस टू प्लस माइनस सोलह चार कितने हो गए बीस, अंडर रूट में बीस और बटे में आठ। तो y बराबर बीस अंडर रूट है तो बीस के गुणनखंड करेंगे, दो दुनी चार पंजे बीस, तो जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा तो दो रूट पाँच हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी बीस की। तो माइनस टू प्लस माइनस दो रूट पाँच और बटे में कितना आठ हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, y बराबर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इसमें से टू, टू हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, टू कॉमन लेने पर बचेगा ये हमारा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव और अपॉन में कितना एट, टू से एट को कैंसिल कर देंगे, टू फोर जा आपका कितना हो जाएगा ये एट, टू फोर जा एट होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी y बराबर कितनी, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर। ओके, y हमने किसको माना था बच्चों, y हमने माना था साइन थीटा को, y किसको माना था साइन थीटा को, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, y बराबर क्या था साइन थीटा, तो y का मान साइन थीटा जो है ये यहाँ पे हम फिर से पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा बच्चों साइन थीटा बराबर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर, और थीटा का मान कितना था हमारा, थीटा का मान भी हमारा था 18 डिग्री, थीटा बराबर हमारा कितना था 18 जो कि हमने शुरू में माना था, तो थीटा का मान जो हमारा 18 है यहाँ पे थीटा की जगह पे हम ये रखेंगे इसमें 18, जब थीटा की जगह पे इसमें 18 रखेंगे तो हो जाएगा साइन 18 डिग्री बराबर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर। अब बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस का निशान है तो एक बार हम प्लस का निशान लेंगे और एक बार हम माइनस का लेंगे, तो हम यहाँ पे प्लस लेने पर पॉजिटिव लेने पर, जब पॉजिटिव लेंगे तो साइन 18 का मान हमें मिल जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर, ये हमें मिल गया यहाँ पे किसका, साइन 18 का मान। दूसरी बात हम क्या करेंगे, अब एक बार नेगेटिव लेंगे माइनस लेने पर, जब माइनस लेंगे तो साइन 18 बराबर हमारा माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर, और अगर देखो तो साइन 18 बराबर आपका यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर। अब ये देखिए बच्चों, ये जो आपका मान है ये तो आपका नेगेटिव आ गया, और आपको पता ना साइन 18 कहाँ पे आता है भाई, साइन 18 ये 0 से 90 तक का होता है, साइन 18 तो उसके पहले क्वाड्रेंट में जाएगा 18 डिग्री पहले में, और पहले क्वाड्रेंट में साइन हमेशा प्लस होता है, माइनस तो होता नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो मान है आपका, ये वाला मान जो है इनवैलिड हो जाएगा इसके लिए, इनवैलिड, इसको आग्रह भी कहते हैं, तो ये वाला मान हम नहीं लेंगे, तो हमारा साइन 18 का मान कितना हो जाएगा, ये साइन 18 बराबर माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे साइन 18 का मान तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी मान की बात करते हैं, एक बार आपका साइन 18 का मान आ जाए फिर आप सभी मान निकाल लोगे, जैसे कि अब हमें मान निकालना है कोस 18 का, ठीक है, किसका मान निकालना है बच्चों, अब हमें कोस 18 डिग्री का। अब कोस 18 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है बच्चों कि कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपको बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, तब तो कोस थीटा बराबर कितना होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब अपने को अगर कोस 18 का मान निकालना है तो कोस 18 बराबर क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर 18, ठीक है, क्योंकि थीटा तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, और साइन 18 का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, साइन 18 का मान हम निकाल चुके हैं, साइन 18 का मान हमारा ये है, इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो मिल जाएगा हमें कोस 18 का मान, कोस 18 बराबर वन माइनस साइन 18 का मान माइनस वन अंडर रूट फाइव अपॉन फोर, तो माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर और इसका क्या है होल स्क्वायर और इसका भी फिर क्या अंडर रूट।
सो इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा हमारा, अंडर रूट फाइव का फाइव हो जाएगा, और माइनस टू ए बी माइनस टू रूट फाइव और अपॉन में फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, क्योंकि टोटल का होल स्क्वायर था ये कोस अट्ठारह इज इक्वल टू हमें मिलेगा ये, इसको हम सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा हमारा, ये पहले एलसीएम ले लेंगे इसका 16 का 1 के साथ, तो 16 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 और 1 6 तो माइनस के 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 2 रूट 5 और अपॉन में हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 16 में से 10 गए कितना बचा, 16 में 6 गए 10 प्लस 2 रूट 5 और अपॉन में कितना 16। ठीक है बच्चों, अब हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट सोल्व कर लेंगे 16 का, तो 16 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2 रूट 5 और ये जो यहाँ पे 16 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ था, अब 16 जो है बाहर आ जाएगा और ये हमारा कोस 18 का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा किसका मान है, कोस 18 का। ठीक है, अब अपने को मान निकालना है साइन 72 और कोस 72 का। ठीक है, अब साइन 72 का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा साइन 72 का, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम निकालते हैं यहाँ पे कोस 72 का मान, कोस 72 डिग्री। अब कोस 72 को क्या लिखेंगे बच्चों, कोस 72 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18, और कोस 90 माइनस 18 क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा साइन 18। तो यानी कि जो हमारा साइन 18 का मान होगा वही हमारा कोस 72 का मान हो जाएगा, तो साइन 18 का मान है हमारा ये माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कोस 72 का मान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम साइन 72 का मान पूछेंगे तो साइन 72 का मान भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, ये देखिए हमारे पास साइन 72 को लिखेंगे, साइन 72 डिग्री को लिखेंगे साइन 90 माइनस 18, और साइन 90 माइनस 18 कितना होता है, साइन 90 माइनस 18 इज इक्वल टू होता है कोस 18। तो कोस 18 का मान तो आपको मैंने निकाल के दिया ही, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बटे में 4, ये मेरा साइन 18 का मान हो जाएगा, हाँ सॉरी साइन 72 का मान ये मेरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए आपको किसका मान निकालना है, साइन 36 का मान निकालना है। ठीक है, साइन 36 का मान निकालेंगे तो वो तो आपके लिए काफी आसान है भाई, साइन 36 का मान फॉर्मूला लगा देंगे 2 थीटा वाला। चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से साइन 36 का मान निकालेंगे, बहुत ही आसान है, चुटकियों में इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिएगा बच्चों कोस 36 का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, कोस 36 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोस 36 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोस 2 थीटा वाला, क्योंकि आप लोगों को पता है कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो थीटा बराबर हमें थीटा बराबर यहाँ पे रख दीजिए 18 डिग्री, जब थीटा बराबर 18 रखेंगे तो 18 2 थीटा है तो 18 दून 36, तो ये अपर का कोस 36 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे साइन 18 का मान रखेंगे, साइन 18 का मान दे रखा है माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर, जो कि हमने सोल्व किया था माइनस वन टू इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, सोल्व करने पर हमें मिलेगा वन माइनस टू ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा वन प्लस फाइव माइनस टू रूट फाइव अपॉन में 16, उसे 16 कैंसिल होगा 8 टाइम, एलसीएम लेंगे 8 वन जा 8 5 वन 6 माइनस का 6 और प्लस के 2 रूट 5 अपॉन में कितना 8, 8 में से 6 गया कितना बचा 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8, 2 भी यहां से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 8, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 ये आपका कोस 36 का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोस 36 का मान आ गया आपका 1 प्लस रूट 5 अपॉन 8, 2 4 जाए रूट 5 1 प्लस अपॉन 4, ये आपका किसका मान आ गया, कोस 36 का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपका कोस 36 का मान आ गया,
अब हमें निकालना है किसका, साइन 36। तो साइन 36 बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 36 ही हो जाएगा उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 1 माइनस कोस 36 का मान आप यहाँ पे रख लीजिए 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16। इसको हम सोल्व करेंगे तो 16 वन जा 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 16 को हम सोल्व करेंगे। 16 का तो 4 हो जाएगा बाहर आकर, और ये कितना बचेगा, 6 सोलह में से 6 गए 10 माइनस 2 रूट 5, और इसका क्या अंडर सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का, क्योंकि नीचे से 16 जो है बाहर आ गया हमारा, और ये हमारा साइन 36 का मान होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम बहुत ही आसानी से इन मान को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।